हिमाचल पुलिस ने नई पहल आरंभ की है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के प्रति सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन सर्वश्रेष्ठ पालन करने वाले लोगों को सम्मानित करना आरंभ किया है। बिलासपुर के मुनिलाल को पुलिस ने यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रथम पुरस्कार से बिलासपुर के एसपी अशोक कुमार ने पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इसके अलावा पुलिस विभाग ने जिला बिलासपुर के विभिन्न सरकारी व निजी स्कूलों में यातायात नियमों पर आधारित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करवाया था, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी बच्चों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान बिलासपुर के एसपी अशोक कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल में अपराध की अपेक्षा लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में अधिक जा रही है, जिन्हें रोकने के लिए प्रति पुलिस विभाग प्रयासरत है। इस दौरान बिलासपुर में तैनात आईपीएस अधिकारी वत्सला गुप्ता ने बताया कि जिला बिलासपुर में पुलिस विभाग यातायात के नियमों को तोड़ने वालों पर सख्ती बरत रहा है, जिसमें ऐसे चार वाहन चालक सामने आए हैं जिनका कई बार निरीक्षण किया गया, मगर कभी भी वो सड़क यातायात के नियमों व आवश्यक दस्तावेजों में गलत नहीं पाए गए, जिस कारण पुलिस ने उन्हें सम्मानित भी किया है। इन चारों में से वाहन चालक मुनिलाल को पुलिस ट्रैफिक बटालियन में भी चुना गया है। इसके पुलिस ट्रैफिक बटालियन के रूप में स्कूली बच्चों को भी चुना गया है, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। मुझे इस बात को कहते बड़ा दुख होता है कि हमारे यहाँ जो क्राइम का ग्राफ है वो कहीं कम है दुर्घटनाओं की तुलना में। हमारे यहाँ अभी तक सिर्फ मर्डर के एक केस हुआ है, लेकिन दुर्घटनाओं में जान लेने वालों की जो संख्या है वो अभी से 30 का आंकड़ा लगभग पार कर गई है। इसी चीज को रोकथाम के लिए आप सभी बच्चों को हमने इसमें शामिल किया। हम ये चाहते हैं कि हर सोसाइटी का हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि सोसाइटी में जो भी चीज हो रही है, जो चीज खराब हो रही है, उनको रोकथाम करने में मदद करें।